थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. आफ्टर द डेटा इज कलेक्टेड थ्रू द मल्टीपल सोर्सेज इट इज ऑर्गेनाइज थ्रू द क्लासिफिकेशन. इट इज एन अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू अ ग्रुप क्लासेस बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया. तुम कोई क्राइटेरिया बनाओगे जब तुम्हारे पास रॉ डेटा आएगा. रॉ डेटा मतलब कच्चा डेटा है. उसको तुम्हें अपने किस पर्पस के लिए यूज करना है. कच्चा डेटा का मतलब होता है अभी जो डेटा आया है तुम्हारे पास, ठीक है ना. जो भी डेटा आया है तुम्हारे पास वो डेटा किस तरीके का होता है. जो भी डेटा आया तुम्हारे पास वो किस तरीके का रहेगा. वो इस तरीके का रहेगा कि तुम उसे अपने लिए उस ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाओ, ठीक है ना. तुमने किसी सेकेंडरी सोर्स से डेटा उठा दिया. ऊपर पढ़ा था ना प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी तो तुम बना रहे हो खुद से, तो तुम पहले से ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाओगे, है ना. उसमें तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना उसे अनऑर्गेनाइज बनाओगे बाद में. उसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाएंगे. ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाने के बाद उस डेटा को हम क्या करेंगे, फिर अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे. भाई हमें किस लिए चाहिए. जैसे रिलायंस जियो है, जियो के पास कौन सा डेटा होगा कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं. तो उन्होंने वो डेटा कहाँ से निकाला. उन्होंने पहले फ्री में सिम बांटी, फिर वो 3 महीने इंटरनेट उन्होंने फ्री में दिया. तो धीरे 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 उनके पास डेटा आना शुरू हुआ. उससे ये पता चला कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें फ्री में इंटरनेट यूज़ करना है और कॉलिंग करनी है. बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट है फ्री में बट वो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन है कॉलिंग भी. आप 24 घंटे 7 दिन तो कोई भी कॉल नहीं कर सकता. है अनलिमिटेड कॉल का फीचर बट आप यूज़ नहीं कर सकते. इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा टाइम फ्रेम ख़राब होगा और कुछ नहीं. तो रॉ डेटा आ रहा है तुम्हारे पास. रॉ डेटा को तुम क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगा रहे हो. क्राइटेरिया तुम्हारा है. अगर स्कूल है तो तुम हो सकता है फीस के अकॉर्डिंग लगा लो कि भाई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास टू 12th क्लास. फिर उनकी फीस, उनमें नेम, उनमें फादर नेम, उनमें मदर नेम, बच्चे की एज, ठीक है ना. क्लासेस के अकॉर्डिंग तुम मैच कर लोगे कि एक क्लास से जो भी एक क्लास उठाई थर्ड क्लास से हमारे पास इतने बच्चे हैं तो इतने डेटा आ रहे हैं. अब उसमें ये हो सकता है हर क्लास में सेक्शन भी होंगे तो उसे सब डेटा बोलते हैं कि जो डेटा है उसके अंदर भी एक और सब डेटा है कि स्कूल है, स्कूल के अंदर इतने क्लासेस है, क्लासेस के अंदर इतने सेक्शंस है. अब हर क्लास में सेक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है और हर क्लास होना ज़रूरी है लेकिन क्लास के अंदर सेक्शन होना ज़रूरी नहीं है. हो सकता है किसी में एक ही सेक्शन हो, एक तो उसमें तो तुम्हें ए ही सही काम बन जाएगा. क्लास थर्ड या क्लास फोर्थ ए ही सेक्शन है. लेकिन ऐसा है 9th या 10th या 11th या 12th में ऐसा है. अलग अलग साइड्स हैं, साइंस स्ट्रीम है 11th 12th में. तो 11th 12th के डेटा भी अलग है भाई. ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी. अब उनमें भी है तुम्हारे कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट वाले हैं, है ना, एडिशनल सब्जेक्ट वाले किसमें, साइंस में भी मैथ्स कौन से हैं, बायो कौन से हैं या कंप्यूटर साइंस वाले कौन से हैं. अलग अलग तरीके के लोग. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वे टू क्लासीफाई रॉ डेटा. आप अपने जो भी डेटा आपने लिया है उसको क्लासीफाई करोगे अपने अकॉर्डिंग ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल. उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल बनाओगे यानी उसे क्वांटिटी दोगे, नंबर्स की फॉर्म में डालोगे. नंबर्स की फॉर्म में कल भी बताया था ना, डेटा को पढ़ना आसान होता है किसी भी जगह पर. इट शोज हाउ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर आपने उनको अलग अलग वैल्यूज में डिवाइड करा. फॉर एग्जाम्पल एज ग्रुप के लिए तो आपने कहा 0 से 3 साल के कितने, 3 से 5 कितने, 5 से 8 कितने, 8 से 12 कितने, 12 से 15 कितने और 15 से 18 कितने. इट शोज हाउ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट क्लासेज अलॉन्ग विद देयर करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज. फिर तुम क्लास फ्रीक्वेंसीज बनाओगे. अब तुमने देखा होगा छोटी क्लासेज में फ्रीक्वेंसीज होती हैं. आप क्या करते हो, 0 से 10 या 10 से 20 या कोई नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कि ये नंबर कितने टाइम्स आया है, तो आप उसको फ्रीक्वेंसी में लिखते हो और फिर उसकी बनाते हो टैली मार्क. ऐसे 5 बार वाला 1 2 3 4 और 5 टाइम में क्रॉस बोलते हो उसको, है ना. तो उससे पता चल जाता है ये 5 का एक ग्रुप है. तो अभी नीचे देखेंगे जब वो पढ़ेंगे ना उसके बारे में. वेरिएबल्स कंटिन्यूस आर. कंटिन्यूस वेरिएबल कैन टेक न्यूमेरिकल वैल्यू, इट मे टेक इंटीग्रल वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज एंड वैल्यूज दैट आर नॉट एग्जैक्ट फ्रैक्शन. अब कंटिन्यूस में जो वेरिएबल है वो अलग अलग तरीके के रखे गए. ज़्यादातर डेटा जो तुम्हारे पास होता है वो इस फॉर्म में दिया जाता है कि आदमी पढ़ने वाला आराम से पढ़ ले. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे करके लिखा हुआ है. 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50 ऐसे करके डेटा है. उसे पीछे पढ़ेंगे ना, अभी इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ें भी पढ़ेंगे. अब कभी ऐसा होता है कि तुम्हें कहीं डेटा चाहिए जिसमें लिखा हुआ है 10.32, मान लो ये नंबर आ रहा है, या परसेंटेज है. परसेंटेज किसी पॉइंट में भी आ सकती है. किसी बच्चे की परसेंटेज 83.75, किसी की है 90.75, किसी की है 62.13. तो हमने क्या कर दिया, 10.5 से
20.5 तक का डेसिमल पॉइंट ले लेते हैं, 0.5 इधर से बढ़ा देते हैं, उधर से घटा देते हैं, है ना। फिर सेकंड रो भी वहीं से शुरू होगी, 20.5 से शुरू होगी और 30.5 तक। फिर थर्ड रो शुरू होगी 30.5 से 40.5 तक, ऐसे भी करते हैं ना। तो ये फ्रैक्शनल डेटा हो गया। अगर देखा जाए तो 0.5 को 1/2 ही तो लिखते हैं, तो बस उसमें 1/2 लिखना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम 0.5 लिख देते हैं। 0.5 भी इजी है। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट वैल्यू कैन टेक ओनली सर्टेन वैल्यू, इट वैल्यूज चेंज ओनली बाय द फाइनाइट जंप्स। इसमें चीजें चेंज हो जाती है। इसमें तुम ऐसे लेते हो 0 से 3, 3 नहीं लोगे, फिर 4 से 7, फिर 7 नहीं लोगे तुम, 8 से 11, ऐसे करके लोगे तुम, पिछली वाली वैल्यू नहीं लोगे, तो उसमें रिपीटिशन वैल्यू नहीं होती। बाकी जगहों पे ऐसा हो जाता है कि रिपीटिशन वैल्यू हो जाती है ना, रिपीटेड वैल्यू डाल दी जाती है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल यानी सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 ABCD या रोमन नंबर में जैसे भी तुम्हें लगाना, ठीक है ना। स्पेशियल डन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, जहां पर जैसे तुम्हें डेटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग करोगे। ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि पहले देख लेते हैं ये डेटा जो है किस तरीके का, ठीक है ना। मान लेते हैं टाइम फ्रेम के लिए कि एक कार का डेटा बनाया हुआ है, तो ये कार जो है इतने घंटे में इतने चल रही है, तो आपने उसको क्या करा, उस टाइम फ्रेम को 2 घंटे का टाइम है, आपने सबको 10-10 मिनट में बांट दिया, 10 मिनट 20 30 40 50 60, 1 घंटा हो गया। फिर नेक्स्ट 70 80 90 100 120 तक बांट दिया, और यहाँ पर स्पीड का टाइम फ्रेम डाल दिया, 0 10 20 30 40 50 60, मैक्सिमम तुमने 150 डाल दिया। 150 सब पर कार नहीं चलती, रियल लाइफ चलती है, मतलब यहाँ इंडिया में नहीं चलेगी, ठीक है ना, आज भी टकरा जाएगा। तो तुमने क्या करा कि शुरू के 10 मिनट में कितनी स्पीड पे था, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, प्लस उसके साथ ज्योग्राफिकल लोकेशन भी, कि तुम एक ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट पर जा रहे हो, ऐसा ही होगा ना, किसी एक ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट पर ही जा रहे होगे ना, तो ये ज्योग्राफिकल डेटा भी है। या किसी जगह का ज्योग्राफिकल डेटा भी, आप बोला था ना पहले भी कि रेस्टोरेंट वगैरह खोलना है, तो पहले तुम्हें वहाँ की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, वहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, या गरीब लोग ज़्यादा हैं या अमीर लोग ज़्यादा हैं, किस तरीके के, तो उसके हिसाब से खोलोगे। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जाके खोल दिया फिर वो चली नहीं, तो बंदी हो जाएगा फिर। क्वालिटेटिव, ठीक ना, क्लासिफिकेशन ऑन अनमेजरेबल एट्रीब्यूट, जिनको तुम मेजर नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव है, ठीक है ना। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, है ना, तो ये बहुत सच्चा इंसान है, अनमेजरेबल, कैसे नापोगे किसी की सच्चाई, ठीक है ना, इस तरीके के डेटा। क्वांटिटेटिव, जिसमें नंबर्स होते हैं एक्चुअली में, तुम उन्हें नाप सकते हो, एज हो गई, पैसा हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, ये सब चीज़ें। हाउ टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे करते हैं, शुड वी हैव इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल, हाउ मेनी क्लासेस, क्या हमें इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल में से क्या लेना चाहिए। वैसे इक्वल लेते हैं ताकि हमारा डेटा जो है सही लगे, अनइक्वल लोगों तो अजीब लगेगा। अब तुमने ले लिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, ऐसे ही सो ऑन तुम चलते रहे, तो इक्वल है सबके बीच में 5, 5, 5, 5 का गैप। अब तुमने ले लिया 0 से 5, अगला ले लिया 6 से 8, तीसरा ले लिया 8 से 20, तो वो अनइक्वल हो गया, उसको मेजर करना भी अजीब लगेगा। वो तो वो भी मेजर जाएगा, ऐसा नहीं है मेजर वो नहीं होगा, टोटल उसमें भी उतना ही आ रहा है, टोटल उसमें भी उतना ही आ रहा है, लेकिन उसमें फॉर्मूले में पुट करने में प्रॉब्लम होगी। जब आप फॉर्मूला पुट करोगे और आप लिखोगे जो भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, उसमें जब तुम्हें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखना होगा, तो पहले में तो 0 से 5 में 5 आ गया, ठीक है ना, या 10th क्लास में AP जिसे बोलते थे, जिसमें D निकाला जाता था, है ना, पहले में तो 5 आ गया, दूसरे में 6 से 8 ले लिया, दूसरे में 3 हो गया वो, तीसरे में 8 में से 20 ले लिया, तीसरे में 12 हो गया वो, तो इस तरीके से डिस्टेंस क्या बार बार चेंज हो रहा है। शुड वी हैव व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ईच क्लास, वो कह रहा है कि हर क्लास का साइज कितना होना चाहिए, तो वो अकॉर्डिंग टू योर डेटा होगा, जैसा भी आपका डेटा उसके अकॉर्डिंग आप क्लास का साइज रखोगे। ऐसी कभी कभार एक्टिविटी होती है, शायद तुम्हारे स्कूल में होती नहीं होती, बट हमारे स्कूल में हुई, टीचर ने बोला था जितने भी बच्चे हैं ना, यहीं पे टीचर ने बोला था कि आप एक काम करो, जितने भी बच्चे हो वो सब जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं ना, उनके लिए डोनेशन जानी रहती है, तो आपको जो जो डोनेशन देनी है आप अपनी अपनी मर्जी से डोनेशन दे दो, तो आप पैसा तो आ गया कलेक्ट हो गया, अब टीचर को पता नहीं चल रहा था, टीचर को पता नहीं है कि भैया किसने कितना कितना दिया, तो उसने क्या करा, एक एक्टिविटी करवा दी थी कि 5-5 बच्चे ग्रुप बना लो और तुम लोग क्या करो, पूरे स्कूल में से सबका डेटा लियो कि इतने से इतने पैसे देने वाले कितने बच्चे हैं, इतने से इतने पैसे देने वाले कितने हैं, इतने से इतने, तो हमने अपने अकॉर्डिंग रख लिया भाई, 0 से 50 रुपए तक देने वाले कितने बच्चे हुए, 50 से 100, 100 से 500, क्योंकि 500 पर बच्चे नहीं होते, बच्चे में 100 से 500 बहुत होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने डेटा बना लिया, हम चाहे तो उसे छोटा ही बना सकते थे, 0 से 10 रुपए देने वाले, 10 से 20 वाले, 20 से 30 वाले, तो वो लंबा हो जाता, हमने क्या करा उसे कंप्रेस करके बना दिया।
डिटरमाइन द क्लास लिमिट, यही होती है क्लास लिमिट, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, यानी जैसा आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना, सही ढंग से लगाना, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ये क्लासीफाई आपने किस बेस पे करा है? पहला, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। डेटा इतना कॉम्प्लेक्स होता है, फैला हुआ होता है या बिखरा हुआ होता है कि आपको उसे क्लासीफाई करना ही पड़ेगा। दूसरा, टू फैसिलेट कंपैरिजन, ताकि आप इजीली कंपैरिजन कर सको। कैसे करोगे कंपैरिजन? कंपैरिजन करने का तरीका यही है, ऊपर वाले डेटा या नीचे वाले डेटा के अंदर आप देख लो कि 2023 में इतना था, 2024 में इतना है। बिजनेस है तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, या सेल्स चेक करते हैं, ठीक है ना, या कस्टमर का फुटफॉल चेक करते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। टू मेक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ईजी, जिससे हम आराम से तो एनालाइज कर लेंगे कि हाँ इसमें देखने में ही पता चल रहा है, जिसका ग्राफ ज़्यादा है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, जिसका ग्राफ कम है उसमें कम प्रॉफिट है। और इंटरप्रेट भी, उसमें फिर हम देख भी सकते हैं और आराम से उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज इन द सेंस, डेटा को चेंज नहीं करते, वो पॉलिसीज को चेंज करते हैं कि हाँ पहले लॉस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, या ऐसे कौन से कस्टमर थे जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे थे लेकिन अब वो नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप, हो भी सकता है कि तुम्हारा बिजनेस जो इफेक्ट हो रहा हो किसी न किसी कारण से हो सकता है। अगर मान लो तुम एक ऑनलाइन सेलर हो, तुम कुछ ऑनलाइन बेचते हो, ठीक है ना। अब आपने क्या कर रखा है कि दिल्ली से दिल्ली में जितने भी आप प्रोडक्ट मंगाओगे तो आपको वन डे डिलीवरी मिल जाएगी, मैक्सिमम टाइम आपका एक दिन में डिलीवरी होना है, बट आपने कंडीशन लगा दी, बट रात के 12 बजे अगर आप ऑर्डर करोगे तो वो आपको कल सुबह ही मिलेगा 5 बजे के बाद, ठीक है ना। क्योंकि रात के 12 बजे से और सुबह के 5 बजे के टाइम फ्रेम के अंदर हम किसी भी राइडर को नहीं भेज सकते कि भैया तुम डिलीवरी, तो कुछ कंडीशन भी लगा दी। अब हो सकता है उसकी वजह से क्या हुआ, इफेक्ट होना शुरू हुआ। ज्यादातर लोग हैं जो जॉब वाले हैं या जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमें तो रात में ही चाहिए था, है ना, स्विगी से मंगा रहे हैं, जोमेटो से मंगा रहे हैं, या एक्स नंबर ऑफ एप्स जितने भी है सबके पास उससे मंगा रहे हैं, उन्होंने कहा हमें तो नुकसान हो रहा है इससे, तो उन्होंने क्या बोला, रात के लिए भी राइडर्स अलग से लिए। जब रात के लिए उन्होंने राइडर्स लिए तो उन्होंने क्या करा, उन राइडर्स के चार्जेस अलग कर दिए। लोगों ने कहा रात में चला रहे हैं, रिस्क भी है, ट्रक चल रहे हैं और रात में कोई लूट ले, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने क्या कहा राइडर्स ने कि भैया हमें एक्स्ट्रा चार्ज, तो उन्होंने लिख दिया कंडीशन ये है अगर किसी को रात में मंगाना है सो यू हैव टू पे एन एक्स्ट्रा चार्ज, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भरना। तो अगर लोग एक्स्ट्रा चार्जेस देते तो राजी हैं। अब ऐसा नहीं है अगर तुम्हारे पास 10,000 कस्टमर है पूरी दिल्ली में और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 या 13 कस्टमर ही कह रहे हैं कि हमें रात में ऑर्डर चाहिए, तो तुम 12 कस्टमर के लिए अपने लिए राइडर्स और वगैरह इन सब चीज़ों का इंतजाम नहीं करो, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे, या तो तो आप क्या करोगे, हो सकता है आप दूसरी ऐप्स के साथ कोलैबोरेट कर लो कि सर आपके पास स्विगी है, आप जरा ये ऑर्डर लेके जा रहे हो, मेरा भी ले जाया करो रात के 12 बजे के बाद, क्या ठीक है, तो इतने परसेंट मेरे को देना। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉजेज होते हैं उसके कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, वो अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया ज्योग्राफिकल, भैया पॉपुलेशन जो है अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग शहर हैं, उन शहरों में भी जहाँ आपको बिजनेस खोलना है। अब आपको खोलनी है जूते की मार्केट और आपने खाने पीने की मार्केट में ले जाके लगा दिया, या कपड़े की खोलनी थी या ज्वेलरी खोलनी थी, तो आप ऐसी जगह खोलोगे जहाँ ज्वेलरी वगैरह वाले लोग ज़्यादा हो या जहाँ कपड़े वगैरह आराम से बिक सकते हो। अब ऐसा नहीं खाने के मार्केट में आप ज्वेलरी शॉप लेके बैठे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कस्टमर नहीं आएगा। अगर मार्केट है, कस्टमर घूम रहा है, तो वो आपको देखने के लिए तो आएगा, यहाँ भाई यार नई दुकान खुली चलो देखते, कभी कभार होता है ना एक्सप्लोर करने के लिए लोग चले जाते हैं, अब नया मॉल खुला चलो चलते हैं कुछ खरीद ही लेंगे, ऐसा हुआ था जब नई नई मेट्रो आई थी ना, तो लोग सिर्फ मेट्रो में घूमने के लिए चले गए थे, तो काफ़ी अर्निंग हो गई थी मेट्रो में। आज मेट्रो घूमने का सोर्स नहीं, आज मेट्रो सच में आने जाने के लिए सोर्स है, कि हाँ यार मेट्रो से ही आने जाना होता है। देखो उससे बेनिफिट भी है, बरसात में सर्दी में गर्मी में एक तो आप बचते हो क्योंकि आप ढके हुए हो, दूसरा आप जाम से बच रहे हो, तीसरा आपका किराया कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू आपके पेट्रोल के, फिर गाड़ी ले जाने में क्या है, हो सकता है रोड पर पंचर हो जाए या आपको मतलब एक्सीडेंट्स के भी खतरे ज़्यादा है, तो मेट्रो में एटलीस्ट आप सेफ हो, आप ड्राइवर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, जो ड्राइवर ड्राइवर चला रहा है उसके अकॉर्डिंग जा रहे हो ना, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये है कि कन्वीनियंट इतना नहीं है कि आपके बिल्कुल घर के नीचे हो, आपको जाना पड़ेगा मेट्रो तक और मेट्रो से फिर अपने घर तक आना पड़ेगा, और मेट्रो में आजकल तो पार्किंग वाली फैसिलिटीज भी है, आप जाओ अपनी बाइक या कार जो भी जिससे भी आप जा रहे हो, आप वहाँ से पार्क करो, वहाँ से मेट्रो ले लो आपको जो दूसरी जगह जाना है, फिर जब अगर आपको रात को वापस वहीं आना है आपका घर मतलब वहीं जहाँ आपने पार्क करी आप वहीं मेट्रो पे उतरो, देन यू विल टेक योर बाइक एंड रीच योर होम, ठीक है ना, अपने घर चले जाओ।
सेकंड इट इज क्रोनोलॉजिकल, फिर हम क्या करते हैं, हम चीजों को सीरियल वाइज लगाते हैं कि इस मार्केट में इतना पैसा, इस मार्केट में इतना पैसा। अब लाजपत राय वगैरह मार्केट है किस चीज की, चांदनी चौक है किस चीज की, हम पहले उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वहां पर जाके कोई दुकान खरीद। अब वहां पर तुम डेयरी लेके बैठ जाओ चलेगी, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। ऐसा नहीं कि डेयरी का सामान नहीं बिकेगा, लेकिन उतना नहीं बिकेगा जैसा बिकना चाहिए। खाने पीने का चल जाएगा वहाँ, खाने पीने का क्यों चल जाएगा, क्योंकि खाने पीने की जरूरत सबको है, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी जो लोग हैं या जो दुकानों पे आते हैं, जो लड़के काम कर रहे हैं, जो लोग सामान खरीदने आ रहे हैं, उन्हें भी तो खाना खाना है, तो वहाँ पर खाना पीना तो बिक जाएगा। लेकिन ये नहीं कि तुम दूर की एरिया, लोग आए वहीं कहीं दूर से, है ना, उन्होंने कहा अरे चलो लाजपत राय घूमने आए थे, वहाँ एक किलो दूध ही लेके चलते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। हाँ कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो वो खरीद लेंगे, जैसे कोई मशहूर मिठाई वगैरह है तो वो तो हो सकता है कि कोई खरीद ले अगर मिठाइयों की दुकान है तो। लेकिन ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली तुम्हारी डेयरी से दूध खरीदने वाला लाल किले आ रहा है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन वही है ना, रिलीजन कास्ट ऑनेस्टी बताया था ना अभी, जिसमें क्वालिटीज होती है, तुम बहुत ईमानदार हो बेईमान, उसको कैसे करोगे, उसको हम ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं हम किसी कंपनी से डेली बेसिस पर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो कभी कभार हमारा उधार भी चल जाता है। अब हमारा वो उधार वो तभी दे देता है क्योंकि हम भी उसको उधार एक या दो दिन या एक हफ्ते के अंदर, जैसा भी हमारा टाइम फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको दे देते हैं कि भैया ठीक है हर हफ्ते तुझे पैसे मिल जाएंगे, तो वो उधार देता रहता है। क्वालिटेटिव है वो, तुम्हारी क्वालिटी के ऊपर काम कर रहा है कि हाँ इसके यहाँ माल छोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ जाता है, ठीक है ना। एक बंदा जो नया नया है उसको नहीं देगा, उससे थोड़ा घबराएगा भाई पता नहीं कैसा बंदा है। अब मान लो उसने दुकान में रख भी दिया माल और वो माल बिका नहीं, उसने कहा भाई ये माल वापस ले जा, तो तुम्हारी फर्म में से तो वो चला गया था, अब उतने टाइम में वो बिका भी नहीं और वो एक हफ्ते बाद तुम्हें रिटर्न भी कर रहा है, तो तुम्हारा तो लॉस है, जाने और आने का तुम्हारा जो भी कन्वेंस लगा, ठीक है ना, और वो माल बिका भी नहीं। मान लो उसमें से थोड़ा सा बिका, ऐसा मान लेते 1000 प्रोडक्ट भेजे थे उसमें से 70 ही बिके, तो 70 का तुम माल का पैसा लेके भी क्या ही करोगे, उससे ज़्यादा तुम्हारा किराया लग गया। तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी यानी जो हमारा भरोसेमंद क्लाइंट है या एम्प्लॉई है या जो भी हमारा भरोसेमंद तुम्हारा ग्राहक बना हुआ है उसको हम दे देते हैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ऐसा काम करते हैं। क्वांटिटी तुम्हें पता ही है, हाइट वेट किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर जितना तुम कर सकते हो उसमें नाप दो। अगर तुम सोना दे रहे हो तो तुम बहुत ग्रामों में दोगे, सोना किलो में नहीं दे सकते, सोना किलो में दिया तो गए। सब्जी किलो में जा सकती, सब्जी में एक आध आलू ऊपर भी चला जाए 300-400 ग्राम का चल जाएगा, है ना। सोने का आलू चला गया गलती से 300 ग्राम का तो दुकान में से तुम्हें निकाल देंगे भाई, तो कल से मत आइयो, तो मत बेच के दूंगा। एक दाना एक मोती भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, अगर कंगन है ना उसमें नग बने में तो एक नग भी एक्स्ट्रा नहीं जा सकता, उस नग को भी घिस घिस के निकाल के कहेगा मैडम लो अब हुआ ही 17 ग्राम मांगा था 17 ग्राम का, 17.1 भी नहीं, क्योंकि सोना इतना महंगा है कि 0.1 ग्राम पे भी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है ना। या मान लेते हैं फोन वगैरह लेने गए, एक यूनिट मांगी उसने, फिर 15,000 वाला एक फोन दे, तुमने कहा अरे यार पहली बार आया बोलो तुम तीन ले जाओ 15,000, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यूनिट्स वाइज भी चेक करते हैं, हाइट वाइज चेक करते हैं कुछ चीज़ें जो लंबाई पर, जैसे पाइप वगैरह तुम घर में काम करा रहे हो प्लम्बर से, तो तुमने कहा भैया 10 फुट का एक पाइप दे दो, तो वो लोग ये करते हैं कि भैया तुम एक काम करो 20 फुट का आता है 20 फुट दे दो, जितना आपका लगेगा उतना आप रख लेना, बाकी बचा हुआ आप रिटर्न करा। तो वो लोग इस तरीके से काम कर लेते हैं। अब वो पूरा क्यों देता है, हो सकता है जो बंदा लेके जा रहा हो वो लाना ही भूल जाए, काम हो गया थोड़ा इतना सा टुकड़ा बचा, उसने सोचा इतना सा टुकड़ा क्या लेके जाऊंगा, तो इतना सा टुकड़ा अगर वो अपनी दुकान में स्टोर करता रहे, मान लेते हैं इतना टुकड़ा, अब इसमें वीडियो में तो तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, अपने हिसाब से मान लो जितना तुम्हारे हाथ की लंबाई, छोटा सा टुकड़ा आधा फुट या एक फुट के आसपास, अब एक फुट वो क्या ही रखेगा, और एक एक फुट रखता रहेगा तो एक एक फुट के कितने स्टोर हो जाएंगे, या सब एक फुट थोड़ी ला रहे, कोई उससे भी कम ला रहा कोई ज़्यादा ला रहा, तो वो एक फुट या डेढ़ फुट या जो भी कम रह गया है हिस्सा वो ग्राहक अपने पास ही रखेगा, भाई मेरे को एक्स्ट्रा इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल, वेरिएबल अभी ऊपर भी पढ़ लिया, वेरिएबल रेफर्स टू द क्वांटिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंज विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट, जिसको तुम चेंज कर सकते हो। प्राइस इज अ वेरिएबल एंड प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इज डिफरेंट, प्राइस हर चीज का अलग अलग होगा, प्राइस हर चीज का अलग अलग, ठीक है ना, लेकिन हर चीज का प्राइस है। और ये भी हो सकता है बहुत सारी चीजों का प्राइस एक साथ कोलेबरेट कर जाए, भाई 5 रुपए वाला बिस्किट भी आता 5 वाले नमकीन भी आता, अब तुम कहो भैया 5 वाला दे दो, अरे क्या बिस्किट नमकीन टॉफी क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए क्या चाहिए, उसने कहा भैया 5 वाला, अब तुम बताओगे पर्टिकुलरली एक उसको आइटम की भैया ये चाहिए, बिस्किट चाहिए चॉकलेट चाहिए नमकीन चाहिए जो भी चीज़ चाहिए, तो ऐसा नहीं कि तुम 5 रुपये बोल दोगे और अपनी मर्जी से कुछ भी दे देगा, हाँ तब दे देगा जब तुम उसका रेगुलर कस्टमर हो और तुम सेम ही सामान खरीदने आते हो। तो प्राइस सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, बट हर कॉमोडिटी का यानी हर चीज़ का प्राइस अलग अलग ही होता है मोस्टली, ठीक है ना। हाँ एक प्राइस रेंज में बहुत सारी कॉमोडिटी आती है ये कह सकता हूँ,
दो रुपये वाला पेन दे दो, बहुत सारी कंपनी दो रुपये वाला पेन बना रही है, ठीक है ना। और दो रुपये में पेंसिल भी आती है या तीन रुपये की जो भी आती है, ठीक है ना। अब तुम्हें ये मत कहना कि हम तो दो वाली चला रहे हैं, हम तीन वाली और हम दस वाली। तो अलग अलग सबका प्राइस रेंज है और सबका अलग अलग जो है प्रोडक्ट का रेंज है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी बार वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके अंदर। एग्जाम्पल है, फोर स्टूडेंट्स हैव गॉट 65 मार्क्स इन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, हेयर इज फ्रीक्वेंसी 4। ऐसे ही होगा, चार बच्चे हैं जिनके 65 नंबर आए, तो हम बार बार 65 नहीं लिखेंगे। छोटी क्लासेस में लिखते थे, सिक्स या सेवन्थ में जो डेटा हैंडलिंग का चैप्टर है मैथ्स में, उसमें मोड एक चीज कराई जाती, मोड नंबर ऑफ टर्म्स अ नंबर रिपीटेड, ठीक है ना, कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। तो हो सकता है ये 65 चार बार रिपीट हुआ, इतनी बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो 65 इज द मोड, है ना, ये वो नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में हमें पढ़ना और आसान हो जाता है, हमें सबको गिनना नहीं पड़ रहा, हम देख रहे हैं जी 33 वाले कितने इतने, 40 वाले कितने इतने, 50 वाले कितने इतने, 65 वाले कितने इतने, 75 वाले इतने, 85 और 100 वाले इतने। तो हमें क्या है, हमें सामने एक डेटा दिख रहा है, नंबर दिख रहे हैं, नंबर फॉर्म में दिख रहा है, जल्दी से कर लेते हैं। सो आगे रॉ डेटा, वही कच्चा डेटा, कच्चा डेटा मतलब जो तुम अपने लिए अभी बना रहे हो, अभी वो फाइनलाइज नहीं है। द डेटा इज ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, जो सबसे ओरिजिनल फॉर्म में अभी तुम बनाना शुरू कर दो। अभी तुमने क्या करा, आपने इकोनॉमिक्स के या हिंदी के, इंग्लिश के सारे चैप्टर का स्टैट बना लिया कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ डेज हैं, उसमें इतने नंबर ऑफ डेज में से इतने नंबर ऑफ डेज मुझे स्कूल जाना है। अब तुमने डेटा बनाने शुरू करा, इतने सब्जेक्ट हैं, इतने सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स हैं, और ये चैप्टर में से इतनी पोएम्स हैं, इतने ये स्टोरीज हैं, और इकोनॉमिक्स में से इतने थ्योरी के हो गए, इतने प्रैक्टिकल के हो गए, हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का ऐसे ही बना लिया तुमने डेटा। तो वो रही डेटा, ओरिजिनल डेटा तुम्हारे पास। अब तुमने क्या करा, वही डेटा बनाने के बाद उसको पब्लिश कर दिया स्कूल के अंदर, सब लोग सब बच्चे ऐसे ही काम करेंगे जैसे मैं काम करूँ। उन्होंने कहा अगर इस तरीके से चलेंगे तो हमारा पूरा सिलेबस फिर आधे महीने में, मतलब आधे साल में हो जाएगा। उन्होंने कहा तो ठीक है, फिर हमारे पास आधा साल सेम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे और रिविजन हो जाएगी, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन टू लॉजिकल ऑर्डर, फिर हम उसे लॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। ए मैं की क्या कर रही है, द डेटा इज ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, ये ओरिजिनल फॉर्म में जो डेटा है, रॉ डेटा आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, फिर आप उसे सीरीज में लगाते हो नंबर वाइज या जैसे भी तुम्हें लगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये दो ही क्वालिटी है जिसमें हम लगाते हैं कि सर इसे असेंडिंग में लगा लेते हैं, इसे डिसेंडिंग में। अगर पैसे की बात है, तुम्हें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, तो तुम डिसेंडिंग में लगाओगे कि सबसे बड़ी सबसे ऊपर, और पैसे की बात है तुम्हें सबसे छोटी देखनी है। फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजन चलाते ना, वहाँ फिल्टर का ऑप्शन आता है, फिल्टर मतलब इसे छांट के दो किसके बेसिस पर, वो पूछता है किस बेसिस पर चाहिए, तब तुम कहते हो प्राइस रेंज कि प्राइस होना चाहिए, तो वो बोलता है मिनिमम जीरो, तो जीरो का कोई प्रोडक्ट नहीं है, से 100, तो जीरो और 100 के बीच में जितने उस पेज पर प्रोडक्ट होंगे सबको फिल्टर करके तुम्हें दे देगा। ये सिस्टम पहले नहीं था, ये अब बनना शुरू हुआ। इंडिविजुअल सीरीज, द सीरीज इन विच द आइटम्स आर लास्टेड सिंगली इज नोन एज इंडिविजुअल, सिंगली किसी डेटा को एंटर करना, दैट इज कॉल्ड सिंगली, एक सिंगल, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल, ठीक है ना। इन सिंपल टर्म्स अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज गिवन टू ईच टर्म इन द सीरीज ऑफ टू टाइप, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, दो तरीके की होती है। ऑर्गेनाइज कैसी होती है बताते हैं, एग्जाम्पल देख लो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इन इकोनॉमिक्स, अब वो कह रहा है 10 बच्चों के मार्क्स आए, एक सेकंड में ये मिटा लूँ ना, तुम्हें तो दिखाया कम से कम। अब ये जो 10 बच्चों का डेटा लिखा हुआ है ना, देखो लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू करके लिखा दूँ, ये ना, इसको वो बोल रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इन इकोनॉमिक्स, दैट इज 21, 30, 42, 35, 45, 19, 28, 36, 44 and 27, ये 10 बच्चों के मार्क्स है। ये अनऑर्गेनाइज सीरीज में लगे हुए, अनऑर्गेनाइज सीरीज में क्यों लगे हुए, ना तो ये असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में, कोई भी नहीं है, पहले 20 है फिर 30 है। चलो यहाँ से मान लेते हैं कि पहले छोटा नंबर देन बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर 42, फिर उससे छोटा नंबर 35, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, तो अनऑर्गेनाइज डेटा है। ये डेटा कैसा है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म का डेटा है। अब इसे ऑर्गेनाइज लगाओगे, अ सीरीज विद द ऑर्डरली अरेंज डेटा इज नोन एज ऑर्गेनाइज डेटा, पता है ना ऑर्गेनाइज डेटा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 25 स्टूडेंट एज पर देयर सीरियल नंबर। अब मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, बट सबके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लगाया है, तो जिसका 1 सीरियल नंबर होगा उसी के आगे उसके मार्क्स होंगे, 2 के आगे, 3 या रोल नंबर के अकॉर्डिंग मान लो, ठीक है ना, या अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग मान लो।
अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग मानोगे तो भी अलग होगा, ठीक है। ए बी सी डी से सॉर्ट करोगे सबसे पहले कौन सा बच्चा आएगा, जिसके नाम ए से आते हैं, फिर बी सी डी ई एफ जी से लेकर जी तक, ठीक है ना। जो भी डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ये नीचे लिखी हुई है, मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट ये नीचे लिखे हुए, जब तुम देखोगे वीडियो और जो देख रहे हैं उनके लिए 16, 13, 15, तो ये देखो नीचे लगाया हुआ उन्होंने, उन्होंने क्या करा 13 वाले कितने बच्चे हैं, तो दो बच्चे हैं, तो टैली मार्क्स बना दिया 13 का दो, 14 के बेटे कितने, 14 के थ्री है, नहीं 14 के शायद फोर है, 1, 2, 3, 4, तो ये फोर हो गए, 15 के, 15 के भी फोर है, 1, 2, 3, 4, एंड 16 इज 8, 16 के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कट लगाते हैं पता है ना, 6, 7, 8, ठीक है जी। 17 इज 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 1, 3, ठीक है ना, इसमें कट नहीं लगा बट कट लगाया जाता है। तो अब उन्होंने कहा ये 25 बच्चों का डेटा है, तो कितना शॉर्ट फॉर्म में और ऑर्गेनाइज फॉर्म में लग रहा है, भाई 13 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 2, 14 नंबर लाने वाले 4, 15 नंबर लाने वाले 4, 16 नंबर लाने वाले 8 और 17 नंबर लाने वाले 6, ठीक है ना, ये बच्चे हैं 25। अब कितने में से भी आ सकते हैं ये नहीं लिखा उन्होंने, ये तो तुम्हारे बेवकूफाना सवाल है कितने मार्क्स में चाहेंगे, ठीक है ना। अब ये ऊपर अगर देखो तुम, जहाँ मैंने कर्सर कर रखा है ये देखो, ये इतना बड़ा लाइन में लग रहा है डेटा और ये बड़ा अजीब है और इसे काउंट करने में दिक्कत भी हो सकती है। 16 है, 13 है, 15 है, 14 है, 14 है, 17 है, 16, 15, 17, 16, 15, पढ़ते में भी ह्यूमन एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें ह्यूमन एरर आने के चांसेस कम है, वो यहाँ से भी मैच कर सकता है कि ये और ये बराबर है कि नहीं, यहाँ दो बार है इसका मतलब दो है, ठीक है ना, यहाँ चेक कर लो, यहाँ दो है तो यहाँ भी दो है, यहाँ चार है, यहाँ चार है, यहाँ चार है, यहाँ चार है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 है, तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम है। यहाँ आप यहाँ का टोटल कर लो बिकम 25 और यहाँ का भी 25 आएगा। तो हमने क्या करा, हमने चेक करा सबसे पहले अपनी लोएस्ट वैल्यू क्या है, सेवन्थ क्लास का कंसेप्ट है वैसे छोटा सा, 11th में कराया जा रहा है, तुम्हारा रिवीजन एक तरीके की, कि सबसे छोटी वैल्यू देखो ना, पहले सबसे छोटी वैल्यू देखो, सबसे छोटी वैल्यू इज योर 13 एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज योर 17। तो तुमने क्या करा कि चार ही वैल्यू, तो 13, 14, 15, 16, 17, पांच वैल्यू करो, पांच वैल्यू के अकॉर्डिंग लगा देते, ठीक है ना। या अगर ज़्यादा वैल्यू होती होता, सबसे छोटी वैल्यू होती 13 और सबसे बड़ी वैल्यू होती 100, तो हम ऐसे नहीं लेते, तो शायद हम क्या करते 13 लेते, फिर उसके बाद ऐसे 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे लेते तो 100 तक बहुत होता, तो हम वो क्लास लिमिट वाली यूज़ करते कि 13 से 20 तक कितने हैं, 20 से फिर और आगे के साथ बढ़ा लेते, ऐसे ऐसे करके चेक, ठीक है, ये हो गया। अब देन नाउ इज कंटिन्यूस सीरीज, इसके नीचे लिखी हुई कंटिन्यूस सीरीज यही आगे जो मैं अभी बात कर रहा था ना उसके बारे में। A continuous series is that series which represents a continuous variable showing the range of variable different items of the series. आगे देखें, a continuous series, sorry वो बीच में शोर आ गया था ना। A continuous series is that series which represents the continuous variable, कि कौन कौन से variable हैं, showing the range of variable, क्या range है उनकी, किससे start हो रहा है, किस पर end हो रहा है ना, of the different items of the series और कौन सा item के लिए लगा। तो ये लिखा हुआ है class interval है, पहली 150 से 200, 150 to 200, तो हर किसी के बीच में 50 का ही गैप होगा, चेक करते हैं, 150 200 200 250 250 300 300, 350 350 400 400 450 450 500, फिर टैली मार्क्स है भाई 150 से 200 वाले दो हैं, 200 से 250 वाले तीन हैं, 250 से 300 वाले छः हैं, 300 से 350 वाले 5 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है, टोटल 30 है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी लिख रहा है और इसे आराम से लिख सकते हो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज, इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है ना। चलो अभी इस वीडियो में इतना ही, आधा घंटा हो गया, फिर इसको बाद में कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।